नमस्कार, बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश की महाडिबेट देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज बात अमरवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी हम कर लेंगे। अमरवाड़ा को लेकर हम बात करेंगे, अमरवाड़ा में तैयारी कौन किस पर भारी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हुंकार भरी है, सीएम ने उपचुनाव के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है, कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। तो 10 जुलाई को अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अब उपचुनाव के लिए जंग तेज हो गई है। 3 दिन तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने प्रचार का मोर्चा एक तरफ से संभाल रखा और अब बीजेपी की तरफ से सीएम ने खुद प्रचार की कमान संभाल ली है। एक बार फिर कांग्रेस में दिग्गजों ने प्रचार से दूरी बना रखी है, जैसे हर बार होता आया है। अमरवाड़ा में जीतू पटवारी के अलावा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अब तक नहीं पहुंचा है। कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, अरुण यादव है, नकुल नाथ, वो तो मानो गायब हो गए हैं, जैसे सीन गायब हो जाते हैं। खैर, उधर कांग्रेस ने जो भी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वो राजनीति से कोसों दूर सिर्फ जीत के लिए आस्था का सहारा लेकर कांग्रेस क्या चुनावी मैदान में है, ये एक बड़ा सवाल। उपचुनाव का घमासान, सीएम ने संभाली कमान। कि भाई, कांग्रेस में रहना क्षेत्र के साथ रहने के लिए अन्याय करने के बराबर है। कांग्रेस का प्रचार दिग्गजों में रार। अमरवाड़ा का चुनाव जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जबरदस्त तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। अमरवाड़ा में तैयारी, कौन पड़ेगा भारी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता, चाहे कमलनाथ हो, नकुलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, उमंग सिंगार हो, अरुण यादव हो, चुनाव प्रचार से भाग गए हैं, चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी जारी है, लेकिन एक सवाल है और वो है, उपचुनाव से कांग्रेस के दिग्गज क्यों दूर हैं? क्या ये सिर्फ जीतू पटवारी की साख का सवाल है या फिर लोकसभा चुनाव की हार का बदला? आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश का महाडिबेट। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले महाडिबेट के सवालों पर एक नज़र डालते हैं। कौन कौन से वो सवाल हैं, सवालों के सिलसिले लंबे चलेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आपको जान लेना चाहिए। उपचुनाव की जंग, पहला सवाल, उपचुनाव की जंग और कांग्रेस में रार जैसी स्थितियां क्या बनती नजर आती हैं? इसके अलावा सवाल ये भी कि मैदान में पटवारी तो नजर आते हैं, लेकिन नाथ और दिग्गी कहाँ हैं? एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आस्था के सहारे नैया लगेगी किनारे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा भी सवालों के लंबे चौड़े सिलसिले चलेंगे और बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शैलेंद्र पटेल साहब, आप पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से, पटेल साहब का बहुत स्वागत। इसके अलावा डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, राजनीति की बारीक लकीरों के बेहतरीन जानकार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का भी बहुत स्वागत। छिंदवाड़ा से भी हम कोशिश करेंगे और बीजेपी से भी कोशिश होगी कि कोई जुड़े और जीत का फॉर्मूला बताए कि 35 स्टार प्रचारकों के जरिए कैसे नैया होगी पार। खैर, पहला सवाल शैलेंद्र पटेल साहब आपसे, वही बात जो बार बार निकल कर आ रही है कि क्या जीतू पटवारी अमरवाड़ा में अकेले अलग थलग पड़ गए हैं? पटेल साहब, ये पता नहीं कैसे और किसकी बात है, लगता है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के पहले प्रोपेगेंडा फैलाने की आवश्यकता की एक आदत सी बना ली है। 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले के और अमरवाड़ा विधानसभा में अपने प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। अभी 3 दिन पहले चुनाव प्रचार चालू हुआ है, 8 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा। जहां तक अभी आप कह रहे दिग्विजय सिंह जी गायब है, अभी राज्यसभा चल रही है, 3 तारीख तक राज्यसभा के बाद में वो लौट कर आएंगे, वो पहुंचेंगे। अन्य नेता वहां पर जिन जिनको जिम्मेदारी दी है वो लोग ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं। सुखदेव पान से पूर्व मंत्री वहां पर लगातार काम कर रहे हैं, संजय शर्मा जी वो वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। तो हम ये ना जाने कहां से ये सवाल उठते हैं, और हर दल की अपनी स्ट्रैटजी होती है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते फॉर्म भरवाने जाना और उसके बाद लगातार 3 दिन का स्टार्ट में आकर प्रदेश अध्यक्ष की ड्यूटी होती है कि संगठन के सारे लोगों से बात करके आना और सब चीजें करके जीतू पटवारी जी लौट कर आए। अब 2 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जाएंगे, लगातार 2-3 दिन वो वहां पे काम करेंगे। दिग्विजय सिंह जी 3 तारीख के बाद जब राज्यसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा उसके बाद लौट कर आएंगे, वो जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव शुरू हुआ है, उसके पहले अकेले पड़ गए, क्या रार है, ना जाने ये कहां से निकल कर आता, वो पता नहीं क्यों क्यों बातें की जाती हैं। चलिए उस पर लेकर भी चर्चा करेंगे। ये बड़े हैरत की बात है
मैं हेडलाइन के हवाले से आपको बता रहा हूं, सवाल नहीं है ये, दर्शकों को भी बता रहा हूं कि अमरवाड़ा को लेकर नकुलनाथ एक बैठक ले रहे थे, संभवतः दिल्ली में वो बैठक हो रही थी, इस तरह की खबरें आई थी, खबरें आई थी। पटेल साहब मैंने कहा सवाल नहीं है ये, आऊंगा मैं आपके पास। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा सबसे पहला सवाल ये कि बहुत ऐसा लग रहा था कि एक आसान सा चुनाव, शाह परिवार जो हर्रई से ताल्लुक रखते हैं और लगातार वो जीते भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया धीरेन शाह को मैदान में उतार कर, और बीजेपी भी ये बात समझती है कि अब रास्ता उतना आसान नहीं। डॉक्टर शर्मा बिल्कुल, ललित जी मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो बैटल है वो कहीं ना कहीं एक्स ब्लू ब्लड, ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं पर किसी असवाइल को, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, और दूसरा कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजिकली ऐसा कैंडिडेट मैदान में उतारा है जो कहीं ना कहीं वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनकी आस्था के प्रतीक, एक स्थान से जुड़े हुए परिवार से है, तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो लोकल में उन दोनों के बीच में है, लेकिन अब पॉलिटिकल जो एनवायरमेंट है उसको भी कहीं नकार नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी उत्साह से भरी है, मध्य प्रदेश में उसने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट्स में से वो भी सीट जीत ली जो कहीं ना कहीं कमलनाथ का बड़ा गढ़ मानी जाती रही है, जो शिवराज सिंह चौहान अपने समय में नहीं जीत पाए। जबकि ये भी कहा जाए कि जब मोदी की हवा जबरदस्त चली 19 में या 14 में तब भी वो किला नहीं ढहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अक्रॉस इंडिया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जबकि मध्य प्रदेश में वो करके डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में वहां वो सीट निकाली है, तो कहा यह जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बहुत आगे है। लेकिन कांग्रेस को एक आशा जरूर है कि कांग्रेस का कई राज्यों में लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस सुधरा, एक चीज। दूसरी, आपने देखा कि 2023 के असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की मध्य प्रदेश में, लेकिन लोकसभा छिंदवाड़ा की सभी सीट खो बैठी। ऐसे में उसका उत्साह वहां जिंदा, यानी कहा यह जा सकता है कि कांग्रेस वहां नहीं जीती, कमलनाथ के फॉलोअर्स या कमलनाथ का जो व्यक्तित्व है या उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं जीतती रही, इसके कारण कांग्रेस को एक सहारा जरूर है। डॉक्टर शर्मा ये बात भी मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कमलनाथ ने वहां प्रोजेक्ट किया कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया और इस वजह से विधानसभा चुनाव में इस तरह की स्थितियां बनी, ये भी एक बड़ी बात है। मैं आऊंगा सर आपके पास। राजेश करमिले हमारे सहयोगी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, हम चर्चा कर रहे हैं अमरवाड़ा को लेकर, चर्चा कर रहे हैं इन सब के बीच अमरवाड़ा में क्या सियासी हलचल नजर आती है। मेरा ख्याल है कुछ महीनों के अंतराल में तीसरी बार अमरवाड़ा वोट करने जाएगा। राजेश, ये अमरवाड़ा का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि तीसरी बार वोट इसलिए भी हो रहा है, लोकसभा के चुनाव अभी अभी गए हैं, वहां पर भी विधानसभा में वोटिंग हुई है। ये जो चुनाव बिल्कुल जल्दी हुए हैं राजा के छोड़ने के बाद, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, अभी के जो हालात है वो ये हो गए हैं कि पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव में कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन जब प्रत्याशी सामने आया तो चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। आज हमारी जब राजा कमलेश शाह से बातचीत हुई है जो भाजपा के प्रत्याशी है, उन्होंने भी इस बात को माना है कि चुनाव कहीं ना कहीं टफ हो गया है, कठिन हो गया है। मुख्यमंत्री आज यहां पहुंचे थे, उन्होंने जनसभा की, कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जरूर, कांग्रेसी नेता जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिदायत दी है कि इसे हल्के ना लें और पूरी तरीके से मशक्कत करें। जाहिर है, साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ के रहे हैं, लंबे समय से यहाँ राज किया, वो वापस यहाँ पे 2 तारीख को यहाँ आएंगे और 2 से 4 तक यहाँ रहेंगे, 4 को वो वापस चले जाएंगे। हालांकि यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता जरूर उनकी राह देख रहे हैं, सांसद नकुलनाथ जो पूर्व में सांसद रहे उनकी भी राह देख रहे हैं कि वो आए और प्रचार में लगे, लेकिन अभी तक जो है वो 2 का दौरा तय किया गया है। जी जी जी, ये बात सही है। हालांकि कमलनाथ ने कहा था कि अब चूंकि छिंदवाड़ा ने उनसे विदा कर दिया है तो वो जाएंगे, और ठीक उसी वक्त मेरा ख्याल है कि नकुलनाथ का बयान आया था कि उनका तो पहला मुकाबला ही जो है या पहला जो एग्जाम है वही अमरवाड़ा से शुरू हो रहा है। इसके बावजूद जो विद्यार्थी हैं वो पहुंचे नहीं है अमरवाड़ा में एग्जामिनेशन हॉल में, ये दरअसल हैरत की बात है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश प्रजापति छिंदवाड़ा की राजनीति को लंबे अरसे से बहुत बारीक तरीके से देखते हैं, राकेश जी का बहुत स्वागत है। और मेरा ख्याल है घनश्याम पिरौनिया साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप पूर्व विधायक है बीजेपी से, उनके पास भी सवाल जवाब के सिलसिले को लेंगे। घनश्याम जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो, बहुत आसान सा एक चुनाव शुरुआत में नजर आया, लेकिन अब अमरवाड़ा में पेच फंस गया है लगता है आपके लिए। जी नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहे ललित जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं हमेशा कहता हूं, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है, और इसलिए एक एक कार्यकर्ता, हमारे बूथ तक की जो तैयारी है, और जो कांग्रेस ये कहती थी कि कमलनाथ जी का अवैध गढ़ है और इसको कोई भेद नहीं पाएगा, आप सबने, हम सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि लोकसभा के चुनाव में कैसे हमने और 29 की 29 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है फिरोनिया साहब भी उसमें एक है, और आने वाले समय में सारे खम्भे निकाल के आप ले जाओ तो कौन सा किला नहीं ढह जाएगा। खैर, मैं आपसे यह भी जानना चाह रहा हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता, देव रावेन वहां से हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती पिरोनिया साहब? नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है, और इसलिए चुनाव भी हमको अच्छे से लड़ना आता है, तो कोई हमारे सामने चुनौती नहीं है। हमने जैसे मैंने कहा ना, 29 की 29 सीटें जीती हैं, मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। हाँ। आप देखेंगे कार्यकर्ताओं के दम पर, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तुल्य कार्यकर्ता हैं, उनके दम पर अमरवाड़ा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जीतेगी। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच में वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमने जितने काम किए, जन कल्याणकारी कार्य किए, उन सब विषयों को लेकर के हम जनमानस के बीच में जा रहे हैं। ठीक ठीक, और यहाँ एक पेच है पिरोनिया साहब, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि ST/ST पर सबसे ज्यादा अत्याचार आपके राजपाट में बढ़ा है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। राकेश प्रजापति साहब हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश प्रजापति साहब, अमरवाड़ा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल स्थितियां जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए आप। जी देखिए, अमरवाड़ा का जो उपचुनाव रहा है बड़ा दिलचस्प और क्या कहते हैं रोचक हो चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी हाल ही में जो इनको विजय प्राप्त की इन्होंने छिंदवाड़ा जिले की लोकसभा सीट पर, उससे इनके हौसले बड़े बुलंद हैं, और ये क्या कहते हैं अपने क्षेत्र के ऊपर और लगातार क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव पर विजय श्री हासिल करना चाहती है। मगर जैसा कि आपने बताया कि क्षेत्र के अंदर जैसे भारतीय जनता पार्टी 3 बार के में जो कुंवर कमलेश शाह को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लिया, उसके बाद इससे परिस्थितियां अब थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, क्योंकि ये जो रहा ये क्षेत्र रहा छिंदवाड़ा जिला, ये कांग्रेस का और कमलनाथ का गढ़ रहा है। इस गढ़ को सेंध लगा दी थी, लग गई इस बार बंटी साहू ने, और जो कुंवर कमलेश शाह को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लिया है, और अभी का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य दिया जाए, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आप को सोच रही थी कि एकदम से क्लीन स्वीप मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट का कोई सेकेंड नेता नहीं था। मगर बावजूद इसके कमलनाथ का एक मास्टर स्ट्रोक रहा है, और आंचलकुंड के जो दरबार है, आंचलकुंड के दादा दरबार सुखराम जी हैं, उनका दरबार है, ये लगभग 200 वर्षों की आदिवासियों की आस्था का केंद्र रहा है, तो उन्होंने एकाएक क्या कहते हैं वहां से धीरेन शाह जी को तैयार करके एकदम से मैदान में उतारा, उसके बाद परिस्थितियां एकदम से चेंज हो गई। आपको और हम लोग वर्षों से देखते आ रहे हैं कि चुनावों के अंदर नेता जो लोग होते हैं वो गली गली घूमते हुए जनता के पास वोट मांगते हुए हाथ जोड़ते हैं और पैर फोड़ते नजर आते हैं, मगर यहाँ का जो चुनाव का जो परिदृश्य है वो जो कैंडिडेट है धीरेन शाह, चूंकि दरबार से जुड़े हुए हैं, आस्था का केंद्र है, तो जनता जब वो जिस गली से निकलते हैं जनता लोग इनके पैर छूने लगती है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है, इसका भी जिक्र कुछ खबरों में मिलता है। शैलेन पटेल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पटेल साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, एक बात ये निकल कर आ रही है कि क्या वाकई कमलेश शाह के जाने के बाद, जैसे आपके जो तमाम नेता, उन्होंने कहा कि कमलेश शाह कौन है, वो तो कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस छोड़कर गए और बीजेपी ने उन्हें मौका दे दिया, क्या वाकई आपके पास चेहरों की कमी थी, या आपको लगता है कि आस्था के सहारे ये चुनाव जीता जा सकता है? पटेल साहब, ललित जी ये बताइए, चेहरे की कमी किसके पास थी? चेहरे की कमी तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जब भी तो वो कमलेश शाह को लड़ा रहे हैं, कमलेश शाह को भारतीय जनता पार्टी लेकर गई,
अगर उनके पास चेहरे होते, ताकत होती, तो कांग्रेस के एक जमे जमाए विधायक को दो बार को लेके क्यों जाते? अब उनके कार्यकर्ताओं का काम तो सिर्फ दरी उठाना रह गया है, और विधायक तो कांग्रेस के लोग बन रहे हैं, सांसद कांग्रेस के लोग बन रहे हैं, उनको ले जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं इस तरह की बात कर देते हैं। और जब वो हमारे एक विधायक को लेकर गए, निश्चित रूप में शुरुआत में लगा कि उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, लेकिन कमलनाथ जी ने और सबने मिलकर जब इस तरफ देखा तो धीरेन्द्र शाह के रूप में एक बेहतरीन उम्मीदवार, एक युवा उम्मीदवार हमें मिला जो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। अपने आप उनकी पॉपुलरिटी है और निश्चित रूप से एक उनकी पेट है, और जिस तरीके से कमलेश शाह लगातार दो बार के विधायक होने के बाद उनका असर है, उससे कहीं ज्यादा धीरेन्द्र शाह उनके परिवार का असर है। तो ये तो राजनीति में जब इस तरह का कोई विपक्ष का काम करता है तोड़ने का, ले जाने का, तो उसका एक बहुत शालीन तरीके से और बहुत शानदार तरीके से स्ट्रेटजिकली कांग्रेस पार्टी ने तोड़ निकाला और धीरेन्द्र शाह के रूप में एक उम्मीदवार पेश किया। और अब जनता ये चीज देखेगी कौन टिकाऊ है और कौन बिकाऊ है, कौन किस तरीके से अपने लालचों के कारण, जिस तरह के एलिगेशन उनकी पत्नी के ऊपर लग रहे हैं, किस तरीके से नगर परिषद में रहते हुए उन्होंने अवैध काम उन्होंने वहां पर करवाया, वो सारी बातें आज जनता के सामने लगातार आ रही है। और वो उस डर के कारण भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता भी समझ रही है कि एक तो ये जबरदस्ती का चुनाव है, क्योंकि चुनाव ऑलरेडी विधानसभा लोकसभा के हो गए थे, इस चुनाव की आवश्यकता नहीं, अमरवाड़ा अनावश्यक चुनाव। सिर्फ अमरवाड़ा विधानसभा की बात करें डॉक्टर पटेल, आपको दोनों चुनाव मतलब आपको नुकसान हुआ है, लोकसभा में भी उस विधानसभा से नुकसान हुआ है, और पिछली बार जब नकुल नाथ जीते थे तो उसमें अमरवाड़ा विधानसभा के वोटों का बड़ा महत्व था, अब लेकिन स्थितियां बदल गई हैं। ललित जी आप जानते हैं, आप राजनीति को बारीकी से समझते हैं, रोज हम लोगों से चर्चा करते हैं, हर चुनाव की स्थितियां परिस्थितियां अलग होती हैं, सिचुएशन ओरिएंटेड इलेक्शन हो गए हैं, विधानसभा में कुछ और थी, लोकसभा के रिजल्ट्स आए हैं, आज देश भर के अंदर जो माहौल बदला है उसके बाद एक नई शुरुआत हुई है, इसको हम नहीं कह सकते हैं। जो लोकसभा का चुनाव हुआ निराशा के दौर में हुआ था, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे थी, लेकिन जैसे अब लोकसभा के रिजल्ट आए पूरे देश का सिनेरियो बदला, अब कांग्रेस पार्टी फ्रंट में खेल रही है, और फ्रंट में खेलने का ही कारण है कि धीरेन्द्र शाह जैसा आज मैदान में और पूरी ताकत से आज जनता के बीच में आप, क्योंकि आप कार्यक्रम देखें हर जगह जहां जा रहे हैं, जिस तरीके से पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है, जनता का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, वो आप सबके और हमारे सबके सामने है। चलिए पिरोनिया साहब से जवाब ले लेते हैं, फ्रंट फुट पर है कांग्रेस, पिरोनिया साहब आपका रिएक्शन। देखिए कांग्रेस का तो काम रहा है अपने अपनी पीठ थपथपाते हैं, और श्री अभी आराधनी हमारे शैलन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पर तो कोई प्रत्याशी नहीं था, मैं निवेदन करना चाहता हूं विधायक जी से कि आप अगर धीरेन्द्र शाह जी को लाए हैं तो वो कौन से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं भाई, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अरे आज भी हमें जमाए को लेके यार आपके पास तो वहां पर कार्यकर्ता था ही नहीं कुल मिलाकर के, और उनको जिस प्रकार से आप लड़ा रहे हैं आप निश्चिंत रहे, उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के तीन बार के हमारे शामिल हुए हैं, तीन बार के विधायक है, उनका जनाधार है, और कहीं कहीं अनुसूचित जाति वर्ग में उनकी जो अपनी पेट है, और मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों ने जो काम किए हम काम के दम पर, करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं पिरोनिया साहब उन पर, सेवा के दम पर हम वोट मांगने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पर शिद्दत के साथ में लगा हुआ है, और आप देखेंगे बूथ पर कमल खिलेगा और अमरवाड़ा में हम जीत करके ही वहां से आने वाले हैं जी, और मोनिका भट्टी को कम मौका मिलेगा पिरोनिया साहब। नहीं नहीं देखिए मैंने कहा ना कांग्रेस का तो आरोप लगाने का काम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दरी उठा रहे हैं, आप निश्चिंत देखिए हमने कहा ना विकसित भारत के निर्माण में जहां जहां जिसकी हाँ, वही तो मेरा कहना है मोनिका भट्टी इनके लिए आपने एक स्पेसिफिक तीसरी लिस्ट जब आपकी आई थी विधानसभा में सिर्फ एक नाम था मोनिका भट्टी मनमोहन शाह की मनमोहन जी की बेटी, और वो भी चाहती है विकसित भारत में उनका भी योगदान हो। नहीं कहा ना मैंने देखिए हम कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी हमारा हमारे नेता ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर विकसित भारत का निर्माण में जिन जिन के भी सहयोग की आवश्यकता है उनको साथ में लेके जाएंगे। कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है, अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही है, तो आप इसमें अरे ना पिरोनिया साहब जादू की छड़ी आपके पास और आरोप आप कांग्रेस पे लगाते हैं कि वो संभाल नहीं पा रहे, आ रहा हूं मैं आपके पास। राकेश प्रजापति जी बहुत शॉर्ट में टिकाऊ बिकाऊ क्या यही चलेगा या लोकल मुद्दे या आस्था वाकई कोई कमाल दिखा रही है या शाह परिवार का जलवा, बहुत शॉर्ट प्लीज राकेश जी।
देखिए छिंदवाड़ा जिले की जो जनता है बड़ी परिपक्व और राजनीतिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से परिपक्व है। ये लोगों को ये बड़ी तरीके से और सोच समझ कर अपना चुनाव में क्या कहते हैं वोट करती है, ठीक है। जैसा कि आप बता बात हो रही है कि तीन बार के कांग्रेस के विधायक हो गए अमरवाड़ा से क्या कहते हैं कमलेश शाह, उनके प्रति अभी थोड़ी सी तो नाराजगी नजर आती चाहे, क्योंकि उन्होंने एकदम से जो पाला बदला है उससे थोड़ी आदिवासियों के अंचल जो आदिवासियों को पहले से पकड़ रही है कांग्रेस की, उसके चलते थोड़ा सा उनको थोड़ी सी नाराजगी दिखाई देती है। वहीं मगर कांग्रेस की अगर प्रत्याशी की बात करें कि आस्था से जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र शाह, उनका मगर आम जनता में उतनी पकड़ नहीं है। वहीं क्या कहते हैं आपका जैसा कि आपने मोनिका भट्टी वाला काम किया नाम बताया, मोनिका भट्टी को एक सिंगल मोनिका भट्टी थी जिनको क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सर से स्वीकार किया था, किस आधार पर उनको क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर किया था। वहीं उत्तम सिंह ठाकुर भी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रेम नारायण ठाकुर के बेटे हैं, वो लगातार उस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। ये नाम छूट गया था, स्थितियां बड़ी ठीक, ये नाम छूट गया था मुझसे। ठीक ठीक है राकेश जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा, फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ये तमाम आपने चीजें सुनी, किस तरह के बातें दावे, किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सब के बीच अमरवाड़ा में स्थिति आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं बताऊं कि बाय इलेक्शन के सिलसिले दरअसल शुरू होंगे अमरवाड़ा के बाद, अभी लंबी चौड़ी लिस्ट है बाय इलेक्शन की। डॉक्टर शर्मा, देखिए ललित जी, इस सीट जो एसटी रिजर्व सीट है, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो आप सुने। एक्चुअली इस सीट पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कांग्रेस की रही, भारतीय जनता पार्टी की रही या जीजीपी की रही। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कमलनाथ का कितना इंटरेस्ट इलेक्शन में लेना। हाँ, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको कितनी तत्परता से इस सीट पर फोकस करते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ का आदिवासी वोटर्स। अब इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ये समझ में मेरे आती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी केवल कमलेश शाह की आधार पर ये मान के चले कि वो लगातार तीन बार जीतते रहे, ठीक, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर नहीं आती। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस स्ट्रेटजी के साथ, हाँ, या मोहन यादव ने एक अपनी नई छवि मध्य प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में बनाई है कि वो जीत 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 की ओर है, हाँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर पूरी दमखम लगाकर कांग्रेस को झटका भी दे सकती है। लेकिन अगर कहीं आस्था, आदिवासियों की बड़ी खासियत होती है जी, जी। वो जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर जीजीपी ने डेंट कांग्रेस को कर दिया तो ये मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां स्ट्रांग होती दिखेगी। ठीक ठीक ठीक, और ये जरूर जो डॉक्टर शर्मा ने आखिरी में कहा है इसे ध्यान रखें, रिजल्ट वाले दिन भी हम सब जब मुलाकात करेंगे तो इसी के आगे से सिलसिला शुरू होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सवाल जवाब के सिलसिले आगे चले, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमरवाड़ा में तैयारी और कौन किस पर पड़ेगा भारी, इस पर नजर बनी हुई है। बहुत धन्यवाद।